हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर इजी वास्तु पर, जहाँ पर मैं टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के रिगार्डिंग बातचीत आपसे करती रहती हूँ। हाउ कैन आई फॉरगेट वास्तु शास्त्र, जो कि मेरे ब्रांड नेम है इजी वास्तु। ठीक है, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मेरी थोड़ी सी आवाज़ आप लोग को अलग लग सकती है, थोड़ा सा नाक बंद है, थोड़ा सा गला ख़राब है, तो इस वजह से ऑलमोस्ट मैं वीडियो नहीं करने वाली थी, बट आप सब लोग के प्यार भरे मैसेजेस एंड अपडेट्स के रिगार्डिंग मैंने सोचा नहीं, आई शुड डू इट। पता, ऑलमोस्ट 3 टाइम शूट करते करते मैंने फिर से बंद किया है। ऑलमोस्ट गला दुख रहा है, खांसी आ जाती है, ज़्यादा बोलने नहीं हो रहा है, तो 3-4 बार मैंने नो कट किया है। फिर से हिम्मत बनाई है, नहीं इसलिए लेट हो गया शूट करते करते भी। थर्सडे से कोशिश कर रही हूँ शूट कर लूँ, बट बार बार अटक जाता है। मतलब तो अब तो करेंगे करेंगे, अब लेट हो जाए ठीक है, बट कर लेते हैं नो। ठीक है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, प्यार देना, बड़े आपकी ही मोहब्बत से मैं करती रहती हूँ। एंड आई होप मेरी रीडिंग्स भी आपके दिल को छूती है। सो अभी हम वन बाय वन जान लेंगे हर राशि के बारे में। यू नो, फेब्रुअरी मंथ का पहला हफ्ता है, कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही है, मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। वन बाय वन आपकी राशि की रीडिंग क्या कहती है जान लेते हैं हम। सो स्कॉर्पियंस, कैसा रहने वाला है फेब्रुअरी का पहला हफ्ता आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज है, जानने की हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज टैरो कार्ड्स। देखो, ज्योतिष के अनुसार जो आपके राशि लॉर्ड बनते हैं मंगल देव, वो कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस में विराजमान है। यहाँ पर ये जो प्लैनेटरी पोजीशन आप लोग के लिए बनकर आ रही है, और कुछ महीनों से ये स्थिति बनी हुई है। तभी जब जब स्कॉर्पियो राशि की बात आती है, मैं कहती हूँ आपके संबंधों में, आपके जीवन में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव, थोड़ा बहुत गुस्सा, ईगो बना रह सकता है। अपने गुस्से और चिड़चिड़ेपन पे थोड़ा सा कंट्रोल आपने रखना है, बाकी चीज़ें तब भी संभल जाएंगी। बट अपने मन के जो भी आपकी बातचीत है, जब आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो बड़ी शांति और प्यार से कीजिएगा। ये आप लोग के लिए टॉप एडवाइस हमेशा होती है। हेल्थ वाइज सब कुछ अच्छा रहेगा, हेल्थ वाइज कोई मेजर कंसर्न नहीं दिखाई दे रहे हैं, चीज़ें अच्छी और पॉजिटिव ही आप लोगों के लिए दिख रही हैं। आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ, यहाँ पर जो आपके जीवन का एजुकेशन का जो सेक्टर है, बहुत बढ़िया है। एजुकेशन के अकॉर्डिंग कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अभी जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर, क्योंकि पाप कतरी हो रहा है आपका एजुकेशन सेक्टर, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि जब आप कोई अटेम्प्ट करने जा रहे हो या कुछ भी चीज़ एफर्ट ले रहे हो, थोड़ा अटक अटक के चीज़ें हो रही हैं, सही से रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, जिस वजह से मन फिर परेशान हो जाता है। आप सोचते हो क्यों मेरी चीज़ें डिले हो रही हैं, क्यों नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपने अपने ज्ञान को बढ़ाने पे ध्यान देना है। आपने यही कोशिश करनी है कि भैया हम अटेम्प्ट करते रहेंगे जब तक हमारी चीज़ें नहीं हो जाती है ना। अपनी मेहनत पे ध्यान दो, जो आसपास से डिस्ट्रैक्शन नेगेटिविटी आ रही है उसको आपको फोर्सफुली फोर्सफुली इग्नोर करना होगा, अपनी विद्या के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए। कहते हैं ना कि लाइफ में कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है, तो वही चीज़ है। आपको लाइफ में लगेगा कि यू नो ये सारी डिस्ट्रैक्शन आ रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट हाल फिलहाल में जो लोग अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, कि आप लोग का बहुत ही खास कुछ महीने हैं, उसके बाद में बृहस्पति अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे स्कॉर्पियो राशि वालों, तो अपनी पूरी जी जान लगाओ। कम से कम इन 4 महीनों में आपको ज़रूर अपने जीवन में जो भी ज्ञान एजुकेशन आपके जीवन में अगर चल रहा है, तो बहुत ही प्राइम टाइम ही आप लोग के लिए रहने वाला है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहूँगी, लव रोमांस के मामले में स्थिति अच्छी है, पॉजिटिव है, कनेक्शन बना रहेगा, लेकिन शुक्र के शनि के साथ युति बनी हुई है 4th हाउस में, जहाँ पर थोड़ा बहुत इश्यूज़ मन मुटाव रह सकता है, बट 70% पॉजिटिव ही है। थोड़े बहुत इश्यूज़ रहेंगे इस हफ्ते में, बीच में थोड़े से फाइट होगी, बट अपने आप रिकवर भी हो जाएगा, सो नो नीड टू वरी मच। मैरिड लाइफ अच्छी है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं मैरिड लाइफ में भी। आपके पार्टनर जो है, अगर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, अगर आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस में है, तो आपसे मिलना भी हो सकता है इस हफ्ते में, ये स्थिति भी बनी हुई दिखती है। उसी के साथ साथ आप लोग के लाइफ में भाग्य पैसा कैसा रहने वाला है। भाग्य और पैसे की अगर मैं बात कर लूँ, तो हफ्ते की शुरुआत के 2-3 दिन थोड़ा सा एवरेज पीरियड दिखाई दे रहा है, जहाँ पर आपको लगेगा कि चीज़ें हो नहीं रही हैं, डिले हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, बेचैन हो रहा है, ये चीज़ें रहेंगी थोड़ा, और पैसे का फ्लो न्यूट्रल रहेगा। लेकिन कहते ना भाई चल रही है, कट रही है ज़िंदगी, बस कुछ खास नहीं, तो वो वाली वाइब्स रहेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही आपके इस हफ्ते में जो सूर्यदेव है आपके करियर के लॉर्ड, वो कहीं ना कहीं मकर राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं 3rd हाउस में।
अभी ऐसी पोजीशन बन जाती है, आपका जज्बा बड़ा अच्छा रहेगा, साहस बहुत अच्छा रहेगा, आप कहोगे मेहनत करनी है कर लेंगे, कोई नहीं है। बट अगर क्रेडिट क्रेडिट की बात करोगे ना, तो क्रेडिट इस हफ्ते मिलता हुआ नहीं दिखता, उसमें प्रॉब्लम बनी रह सकती है। आपको लगेगा, सिर्फ क्रेडिट एंगल से मैं बोल रहा हूँ, अगर क्रेडिट एंगल से इस हफ्ते आप देख रहे हो या प्रमोशन के एंगल से देख रहे हो, तो इस हफ्ता स्ट्रांग नहीं दिखता है। काम आप लोग का चलेगा, वो सब ठीक रहेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ प्रमोशन वाले एंगल से कमज़ोर है, लेकिन हो सके तो आपकी क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, जो बताने का तरीका होता है, कम्युनिकेशन, उसको अच्छा रखेगा, उससे लाभ आपको हो सकता है। तो ये अभी तक ज्योतिष के नज़रिए से देखने मिला, अब आगे भी देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है द पेज ऑफ कप्स का, विच इज़ गुड। रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं, पॉजिटिविटी दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं मैं कहूँगी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके काम में अगर कोई भी क्रिएटिव काम है ना, तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। इमोशनल स्टेबिलिटी भी दिख रही है, वाइज पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। किसी के ऊपर क्रश है, किसी से बातचीत करना चाहते हो, प्रॉब्लम चल रही थी, वहाँ पर भी आपको रिकवरी देखने मिलेगी। तो अच्छी एनर्जीज है, लेकिन वो एक हम कहते हैं ना कि ब्रीजी वाइब रहने वाली है। ब्रीजी इन द सेंस, मतलब हम ठीक है, हम सुबह उठ रहे हैं, हम शांत हैं, हम अपना दिन देख रहे हैं, हम अपनी डे की प्लानिंग कर रहे हैं, हमें किसी का मैसेज आ जाए तो हम खुश हैं, ना आए तो इंतज़ार भी कर लेंगे, ठीक है। तो एक ना न्यूट्रल वाइब एंड एनर्जीज आप लोग की रहती हुई दिख रही है। अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा आप मिस करोगे, अगर आपकी पार्टनर से बातचीत नहीं हो रही है तो आपको उनकी याद सताएगी। लॉन्ग डिस्टेंस का थोड़ा मामला तो दिख रहा है, बट लॉन्ग डिस्टेंस के साथ साथ इस हफ्ते अगर मिलने का प्लान बनता है, या आ रहे हैं या आने वाले हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। वो मिलना आप लोग के लिए शुभ रहेगा, पॉजिटिव एनर्जीज लेके आएगा। एंड कॉम्प्रोमाइज़ करना भी स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए सजेशन में आ रहा है, कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ की अगर स्थिति बनती है तो कर लेना चाहिए, समझौता करके रिश्ता आप लोग का बच जाएगा, सुधर जाएगा। एंड थोड़ा सा नम्रता से पेश आइएगा अपने पार्टनर के साथ में, ठीक है। वहीं हम आगे बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, विच करियर वाइज अच्छा है, सक्सेस है। देखो, करियर के अकॉर्डिंग ज्योतिष भी सेम चीज़ कह रहा है कि साहस, पराक्रम, मेहनत आप लोग की बढ़िया रहेगी। लेकिन रिकग्निशन की स्पेसिफिक बात करूँ, प्रमोशन की स्पेसिफिक बात करूं, वो हाल फिलहाल में इतना स्ट्रांग अभी नहीं है। अच्छा, स्कॉर्पियो राशि वाले जितने भी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं, कुछ अपनी लाइफ में नो नया खरीदना चाहते हो, शॉपिंग करना चाहते हो, एनीथिंग, उसके लिए ये हफ्ता आप लोगों के लिए शुभ है। आगे बढ़ सकते हो, अच्छा माना जाएगा, कोई ज़्यादा इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स नहीं दिख रहे हैं, कैन कंसिडर दैट, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो ये ऑल ओवर वाइब एंड एनर्जीज आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही हैं। स्कॉर्पियंस, आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।